उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हरचंदपुर में आज तड़के बड़ा रेल हादसा हुआ है। दिल्ली मालदा न्यू फरक्का एक्सप्रेस की 9 बोगिया बेपटरी हो गई। हादसा सुबह करीब 6:05 पर हुआ। इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली, कई परिवारों की खुशियां दफन हो गई। किसी के सर से पिता का साया हट गया तो किसी का मांग उजड़ गया, किसी की आंचल सूनी हो गई। हादसे की सूचना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारतीय रेल भरोसे की पटरी से उतर चुकी है, रेल सफर जोखिम भरा हो गया है। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो पिछले कुछ सालों में कई बड़े रेल हादसे हुए हैं। पिछले साल अगस्त में आजमगढ़ से दिल्ली जा रही कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन की इंजन सहित 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कम से कम 50 लोग घायल हो गए। अगस्त में ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस रेल हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 97 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 30 मार्च 2017 को यूपी के महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 21 जनवरी 2017 को पुनेरू में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस भयानक हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे। 28 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में कानपुर के नजदीक अजमेर सियालदा एक्सप्रेस के 15 कोच पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के पुखरायन में इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस भयानक हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी और 260 लोग घायल हो गए थे। 20 मार्च 2015 को उत्तर प्रदेश में रायबरेली के बचरानवा में जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 26 मई 2014 को यूपी के ही संत कबीर नगर में गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। 4 मई 2014 को दीवा सावंतवादी पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।